तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ इस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। जो बेचारे गुरु घासीदास जी के सम्मान में, जो सतनामी समाज के सम्मान में गए थे, वो बेचारे पिस गए, और वो नौजवान पिस गया जो समाज को परिवार से भी बड़ा मानकर एनी चोटी का जोर लगाकर पूरे प्रदेश में जुल्म जाति के खिलाफ लड़ रहा है। मैं समझता हूँ क्योंकि हम सत्ता के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, इसलिए जानबूझ के हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया है। विश्वास करो, सबसे ऊपर है कानून और कानून से ऊपर है संविधान, कोई संविधान से बाहर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा, और अगर गृह मंत्री अपराध करेंगे तो कानून उनको भी सजा देगा। सतनामी समाज था, सतनामी समाज है, और सतनामी समाज अनंत अनंत तक रहेगा। ये गलत छवियों को जरूर मत रखना। मैं आज राज्यपाल जी से भी मिला था, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई घटना बड़ी चिंताजनक है, दफ्तर में आग लगी है। तो मैंने कहा तो आग लगाने वालों को गिरफ्तार करो, आग बुझाने वालों को गिरफ्तार मत करो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, जिसने आग लगाई है आप सीबीआई जांच कराओ इस घटना की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन जिन लोगों ने अपने सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जो वहां गए थे, उन लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डालने का या उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने का काम मत करो। मैं उनको ज्ञापन दे के आया हूं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? दोनों हाथ जोड़ के बताओ कि आपको लगता है हम लोग कमजोर हैं? हम चुप इसलिए हैं, हम ये जुल्म इसलिए सह रहे हैं। मैंने वीडियो ट्वीट की थी, यही सब बहादुर लोग थे, अलग अलग वर्दी वाले लोग जो लातों से पीट रहे थे। वकील हैं, कितने मेडिकल हैं आपके पास, कितने लोगों पे 307 लगाई, कितने लोगों को चोट आई, एक आदमी को चोट लगी, 10 आदमी को चोट लगी, 100 लोगों ने चोट मारी कि 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया, और आप लोगों ने जो किया, आपकी वीडियो एविडेंस नहीं है क्या कि आप जूतों से पीट रहे, गिरा गिरा के लाठियों से पीट रहे, आपको किसने दिया पीटने का? पुलिस का काम पीटना कब से हो गया? किसने अधिकार दिया? कौन से इसने लिखा के पुलिस पीटेगी? गुंडागर्दी करते ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आपको सस्पेंड कर सके, हम यहां इतने ताकतवर नहीं कि आप पर मुकदमा लगा के आपको जेल भेज सके, हम अभी इतने ताकत नहीं है पॉलिटिकली। लेकिन आपको क्या लगता है, हम तो वहां भी उतने ताकतवर नहीं थे जहां हम ताकतवर बने। आपको क्या लगता है कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे? आपको क्या लगता है आपके दिए हुए जख्म हम भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम अपनी पीठ पे पड़ी लाठी को भूल सकते हैं, लेकिन अपने समाज की पीठ पे पड़ी
बिरला जी को कभी नहीं भूल सकते, कई बात को अभी याद रखना। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं राजनीतिक रूप से, जब आपकी लाठियां हमारे खिलाफ उठती हैं तो नहीं सोचती, आपके आदमी को तो पत्थर लगा भाइयों, हमें तो पूछे रखने में मारा जाता है, हमें तो घोड़ी पे बैठने में मारा जाता है, आपको तो पत्थर लगा, आपको घायल हुए, मैं उसको भी सही नहीं मानता, मगर हमें तो मार के लटकाया जाता है भाई, हमें तो मटकी छूने में मारा जाता है, हम किससे नहीं लड़ते, हम तो अपने मुल्क में जुल ठहरे, करोड़ों की आबादी होने के बाद भी इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जुल्म ठहरे, हमारी मौलिक चिकोती है भाई, हमें मारा जाता है, दाढ़ी रखने पे, टोपी पहनने में मारा जाता है, हमें आवाज उठाने में मारा जाता है, हम नहीं लड़ते, हम संविधान पे भरोसा रखते हैं, लड़ने वाले लोग होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती हमारे पंडाल में घुस जाते, आपकी संख्या कम नहीं, लेकिन आप जानते हो क्योंकि लंबे समय से इनके नेताओं ने इनको ठगाया है तो आप इनको बेसहारा मानते हो, लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है, अब इन पे एक मजबूत आवाज है, जो इनका नेता नहीं है इनका भाई और इनका बेटा है, जो अपने प्राणों के बलिदान लगा देगा लेकिन इनको कमजोर नहीं पड़ने देगा। मैं आपसे भी कहता हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इसे मेरी विनती मानो कि इस जुल्म को बंद कर दो, इसमें सबकी भलाई, और जिन निर्दोषों को आपने गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो बिना शर्त के, इसमें सबकी भलाई, वरना फिर आंदोलन होंगे और इस बार आंदोलन अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो उसका प्रचार करेगा चंद्रशेखर आजाद गांव गांव घूमकर, उसका प्रचार करेगा भीम आर्मी का एक पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी, क्योंकि लोकतंत्र में आप हमें नहीं रोक सकते हो अपनी आवाज उठाने से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके किसी को खुश करने के लिए किसी पे जुल्म करना ये न्याय नहीं। न्याय का सिद्धांत तो ये कहता है कि चार दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।